एक और बड़ी अपडेट, शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का सहयोग मांगा जाएगा। समर्थन मांगने में पार्टी कोई परहेज नहीं करेगी और पार्टी का मानना है कि मोदी योगी सरकार ने काम किया है, बिना भेदभाव के योजनाओं का सभी को लाभ मिला है और लाभान्वित होने वालों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भी हैं। भाजपा ऐसे में उनसे चुनाव में सहयोग और समर्थन मांगेगी। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नजर सीबीएसई के वोटर्स पर भी है। शिक्षक एमएलसी चुनाव कैसे जीता जाए, इसके लिए भाजपा एक रणनीति पर काम कर रही है। सहयोग सबसे मांगा जाएगा, समर्थन सबसे मांगा जाएगा। अभी ये मंत्र भी यही दिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को, और तत्काल इसको इंप्लीमेंट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। वक्त आ गया आप सभी का आभार व्यक्त करने का, आप सभी को धन्यवाद कहने का, इसलिए क्योंकि मार्क रेटिंग में एबीपी गंगा इस हफ्ते भी नंबर एक की पायदान पर काबिज है और ये सब आपके स्नेह और समर्थन की वजह से संभव हुआ है। लगातार एबीपी गंगा को आपने नंबर एक की पायदान पर बिठाए रखा है, बनाए रखा है। हमने प्रयास किया कि आप तक हर खबर पहुंचाई जाए, हमने प्रयास किया कि कोई खबर आपसे न छूटे, हमने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ा कोई भी घटनाक्रम आपके सामने पूरे विस्तार में रखा जाए, और इसको आप सभी ने समर्थन दिया है, इसको आप सभी ने स्नेह दिया है और नतीजा ये कि बार्क की रेटिंग में एबीपी गंगा लगातार नंबर एक की पायदान पर काबिज है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का, बहुत आभार आप सभी का, क्योंकि आपने लगातार ये प्रेम और स्नेह एबीपी गंगा को दिया है। नतीजा नंबर एक की पोजीशन पर एबीपी गंगा इस हफ्ते भी काबिज बार क्रेडिट। बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सभी दर्शकों का, विशेषकर यूपी उत्तराखंड के दर्शकों का जिन्होंने असीम स्नेह दिया है, लगातार दिया है, मुसलसल आपने जो एबीपी गंगा को समर्थन दिया है अपना, उसके लिए ढेरों आपको धन्यवाद और आभार। इस हफ्ते भी ये अपडेट भी है, इस हफ्ते बार्क रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर एक की पोजीशन पर बना हुआ है, नंबर एक की पोजीशन पर काबिज है और यह सिद्ध होता है कि यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा दर्शकों की पहली पसंद है। दर्शकों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को लगातार देखा है, खबरों के प्रस्तुतिकरण को लगातार सराहा है, उसको समर्थन दिया है और वो लगातार बार्क की रेटिंग में दिखता है, नजर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ की बात करते हैं। असुरक्षित भवनों को गिराने का काम वहां पर चल रहा है। आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को गिराया जा रहा है। प्रशासन बुलडोजर के जरिए गेस्ट हाउस को गिराने का काम कर रहा है और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बड़ी बड़ी दरारें आने के बाद यह किया जा रहा है। इसके बाद अब इस दो मंजिला भवन को जमींदोज करने का काम इस वक्त जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना के जवान भी वहां पर तैनात हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है और सबसे पहले एबीपी गंगा पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं कि बड़ी जेसीबी से इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बड़ी दरारें आ गई थी। एक तरफ इसका हिस्सा झुक गया था, यानी एक खतरा बना हुआ था कि आखिरकार ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरतते हुए आज इसको बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी का करीब एक तिहाई हिस्सा तोड़ दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले यहाँ के आसपास के जो घर थे उन वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। यानी आसपास ये पूरी आवासीय कॉलोनी है, उसके इसी परिसर में ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है और बड़ी बड़ी दरारें इसमें थी, पूरी तरीके से एक साइड को ये पूरा भवन झुक गया था। आगे बढ़ते हैं। आगरा में आज द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। मैराथन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज से शुरू होकर मैराथन एकलव्य स्टेडियम पर मैराथन का आयोजन किया गया है और इसमें G20 की मेजबानी को लेकर भी संदेश दिया जाएगा।
ओलंपियन और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। और इससे पहले कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़े, उसका वर्चुअल उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। यहां पर प्रधानमंत्री ने सांसद खेल कुंभ में आए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। सांसद खेल महाकुंभ का बस्ती में आगाज हुआ, दूसरा संस्करण उसका, और सीएम योगी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। क्या कॉन्सेप्ट है आखिर सांसद खेल महाकुंभ का? आज प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस खेल का उद्घाटन कर दिया है, कितने दिनों तक चलेगा, पूरा इसकी रूपरेखा क्या तैयार हुई? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खेल महाकुंभ का शुभारम्भ गुजरात में करवाया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। इस दृष्टि से सांसद खेल महाकुंभ का आप लोग आयोजन करिए। 2021 में मैंने आयोजन किया था, उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस समय हमने प्रयास किया कि हमारे अधिकांश खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं वो शामिल हों, लेकिन जिले स्तर पर किए थे तो तमाम ऐसे गाँव के खिलाड़ी छूट गए थे। इस नाते इस साल हमने ब्लॉक स्तर पर इसको आयोजित किया, 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार की अन्य गतिविधियां, जिसमें 5 प्रकार के खेल ब्लॉक स्तर पर और 2 प्रकार की अन्य गतिविधियां जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन सारी प्रतियोगिताओं में 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख के आसपास खिलाड़ी भाग लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।